हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द पॉपकॉर्न टीवी। मैं जूही। आज और एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके मैं आ गई हूँ। साउथ इंडियन मूवी के वीडियो है ये, और ये फिल्म का नाम है मार्शल। और ये फिल्म में है तलपति विजय और है नित्या मेनन, सामंथ्या और काजल अग्रवाल। तो चलिए ये फिल्म का ट्रेलर देख लेंगे और रिएक्शन देंगे। ये जो फिल्म है इसका डायरेक्टर है एथले, और ये जो म्यूज़िक डायरेक्टर है और ये सिंगर भी है वो है एयर रहमान। तो चलिए देखेंगे। बहुत क्यूट है, उसके साथ हैंडसम है। Indian desi flavor with thoti chutte. Super. Wow. Hi. Wow. Kaisi hai? Soft, romantic. Wow. Koli ka bhi scene hai isme. होली वाला सॉन्ग भी है इसमें। फुल एक्शन मूवी, इसके साथ अच्छा वाला स्टोरी भी। वाह, क्या बात है। सुपर। ये ओवरऑल एक्शन मूवी है, और इसका जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्टर का बहुत अच्छे वो किए हैं ये डायरेक्शन। और इसमें जो थलापथि विजय है, क्या एक्टर है। थलापथि विजय का एक बात है, जो वो उसका जो भी एक्शन सीन रहते हैं वो, या आपका कुछ भी कॉमेडी सीन रहते हैं, इमोशनल सीन रहते हैं या डांस रहते हैं, सब में वो वन है। जो एक एक्टर में होना चाहिए सब कुछ है ये थलापथि विजय में। मुझे काफ़ी पसंद है ये एक्टर, और इसमें एक्ट्रेस भी बहुत बहुत ही अच्छे लग रहे हैं वो दोनों। जब एक्टर एक्ट्रेस जो लव सीन है, जो सॉन्ग जो दिखे, वो उसमें भी क्या खूब लग रहे हैं। एक्शन में भी ये सीन, ये फिल्म बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इसमें जो विलेन बने हैं उसका भी जो डायलॉग है, उसका भी जो एक्टिंग है बहुत ही अच्छे है। सॉन्ग अच्छे है, एयर रहमान का जो है बहुत बहुत अच्छे। इसका बैकग्राउंड जो स्कोर है सॉन्ग का वो जो है बहुत अच्छे है। इसमें आपका वो देसी जो साउथ इंडियन फिल्म में होते हैं वो भी मैजिक है। वो गाने में, सीन में, सब कुछ में वो मैजिक है, वो दिख रहे हैं साउथ इंडियन जो देसी वाला जो फ्लेवर है। और मुझे बहुत बहुत काफ़ी पसंद आए हैं ये। आप लोगों को कैसे लगे, प्लीज़ रिएक्शन कैसे लगे ये प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। और मुझे अगर सोशल मीडिया में फॉलो करना चाहते हो तो भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, उसमें लिंक दिया हुआ है।
और जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को फ्रेंड्स, और लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, और मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसे ही कुछ ऐसा एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।